I am Khushbu Ramnani from Autonomous PG College Chhindwara, M.Sc. final year student. आज का जो हमारा experiment है वो है to study the multiplexer and verify the truth table using logic gate. सबसे पहले हम देखेंगे कि multiplexer होता क्या है. Multiplexer several input एक ऐसा logic circuit है जो हमें several inputs का एक output देता है. मल्टीप्लेक्सर कई टाइप के होते हैं. 2x1 मल्टीप्लेक्सर जो हमें 2 इनपुट्स का एक आउटपुट देता है. 4x1 मल्टीप्लेक्सर जो हमें 4 इनपुट्स का एक आउटपुट देता है. ऐसे 8x1 एंड 16x1 मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं. अब हम देखेंगे 4x1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम. जैसे कि आप देख रहे हैं ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम है. इसमें 4 इनपुट्स होते हैं, इनपुट ए बी सी एन डी, और इसका हमें एक आउटपुट मिल रहा है वाई. इसमें 2 कंट्रोल यूनिट्स होती है, S0 एंड S1. मल्टीप्लेक्सर में दिया गया इनपुट 2 की पावर n के फॉर्म में रहता है. जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 4 इनपुट्स हैं, यानी ये 2 की पावर 2 के फॉर्म में रहेगा. जितनी पावर्स रहती है उतनी कंट्रोल लाइन का यूज़ किया जाता है जो हमारा करेक्ट आउटपुट देने में हमारी हेल्प करती है. अब हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम देखेंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें इनपुट्स दिए हैं D0, D1, D2 एंड D3, और 2 कंट्रोल लाइंस दी हुई है, S1, S0, एंड इसका हमें एक आउटपुट मिल रहा है Y. इसमें 4 एंड गेट का यूज़ किया गया है एंड 2 नॉट गेट्स और 1 और गेट का यूज़ किया गया है. अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. इसके लिए हमें 4x1 मल्टीप्लेक्सर ट्रेनर किट और कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प लेंगे हम. सबसे पहले हम इनपुट्स देंगे. ये हमारा आउटपुट सेक्शन है. इसमें इससे हम अपना आउटपुट प्राप्त करेंगे, और लास्ट में हमारा इनपुट सेक्शन दिया हुआ, इसकी हेल्प से हम इनपुट्स देंगे. सबसे पहले हम D0 को इनपुट देंगे. D1 को इनपुट देंगे. D2 को इनपुट देंगे. D3 को इनपुट देंगे. इसमें हमारी कंट्रोल लाइंस दी हुई है S1 एंड S0. S1 को हम इनपुट देंगे और S0 को इनपुट देंगे. अब हम हमारा ट्रुथ टेबल वेरीफाई करेंगे. जब हम कंट्रोल लाइंस S1 और S0 को 0 इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट में D0 मिलता है. ये हम हमारे ट्रेनर किट से वेरीफाई करेंगे. जब हम S1 और S0 को 0 सिग्नल देते हैं तो हमें आउटपुट में D0 मिलता है. सबसे पहले हम अपने आउटपुट को कनेक्ट करेंगे आउटपुट सेक्शन से, और अब हम हमारा आउटपुट देखेंगे. हमारा D0 है, हम ऑन करते हैं. हमें LED मिल रहा है जो जल रहा है. इट मीन्स कि हमें आउटपुट में D0 प्राप्त हो रहा है. अब हम अदर आउटपुट चेक करेंगे. हम D1 को ऑन करते हैं, LED नहीं जल रहा है. इट मीन्स D1 हमें आउटपुट में नहीं मिल रहा है. हम D2 ऑन करेंगे, LED नहीं जल रहा है. इट मीन्स हमें D2 भी नहीं प्राप्त हो रहा है. सिमिलरली हम D3 ऑन करेंगे, LED नहीं जल रहा है. इट मीन्स हमें D3 भी प्राप्त नहीं हो रहा है. अब हमारा नेक्स्ट दिया है. जब हम S1 को 0 और S0 को 1 आउटपुट इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट में D1 सिग्नल प्राप्त होता है. जब हमने S1 को 0 और S0 को 1 पे रखा है तो हमें हम देखेंगे आउटपुट में क्या प्राप्त हो रहा है. D0 LED नहीं जल रहा है. इट मीन्स हमें आउटपुट में D0 प्राप्त नहीं हो रहा है. हम D1 को ऑन कर रहे हैं, LED ऑन हो रहा है. इट मीन्स हमें आउटपुट में D1 प्राप्त हो रहा है. हम D2 को ऑन करके देखेंगे, LED नहीं जल रहा है. इट मीन्स हमें आउटपुट में D2 प्राप्त नहीं हो रहा है. सिमिलरली D3 भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है. नेक्स्ट, जब हम कंट्रोल इनपुट में S1 को 1 और S0 को 0 देंगे तो हमें आउटपुट में D2 प्राप्त होगा. जब हम S1 को 1 और S0 को 0 पे रख रहे हैं तो हम देखेंगे क्या हमें D2 प्राप्त हो रहा है. LED नहीं जल रहा है. इट मीन्स हमें D0 नहीं मिल रहा है, D1 भी नहीं मिल रहा है, D2 हमें मिल रहा है क्योंकि LED ऑन हो रहा है. सिमिलरली D3 भी ओपन
नहीं हो रहा है। अब हमारा लास्ट, जब हम S1 को 1 और S0 को 0, S0 को 1 इनपुट देंगे तो हमें D3 आउटपुट में प्राप्त होगा। S1 को 1 एंड S0 को भी जब हम 1 इनपुट देते हैं तो सिग्नल में हम देखेंगे कि हमें D3 मिल रहा है। इट मींस हमारा ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो रहा है। थैंक यू।